नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में। मित्रों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को चांदी बनाने का सबसे सरल आसान तरीका बता रहा हूं। वैसे मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में रिद्धि वल्ली से सोना चांदी बनाने का सबसे सरल आसान तरीका बताया था, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को श्वेत गोखरू से चांदी निर्माण करने का सबसे सरल आसान तरीका बताऊंगा। इसमें आपको क्या क्या मिलाना ये भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, हमारे प्राचीन ज्ञान, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, प्राचीन टेक्नोलॉजी थे, प्राचीन पारात विज्ञान थे दोस्तों, बहुत ही ज्यादा उत्तम था। क्योंकि दोस्तों आपने देखे होंगे, पहले समय में मंदिरों में न जाने कितने टन सोना चांदी चढ़ते थे। पहले सोना के महल बनाए जाते थे, सोना के रथ बनाए जाते थे, सोना चांदी के जो महिलाएं होती थी आभूषण से लदी होती थी। तो क्योंकि दोस्तों पुराने समय में प्राचीन टेक्नोलॉजी, प्राचीन ज्ञान से, प्राचीन कुछ वनस्पति विज्ञान से सोना निर्माण करने की विधि आम जन को भी मालूम था, लेकिन ज्ञान का वह धरोहर भारत भूमि से अब धीरे धीरे मिटने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं चाहता हूँ मेरे चैनल में जो भगवान ने परशुराम को स्वर्ण निर्माण तंत्र में, भगवान शंकर ने परशुराम को स्वर्ण निर्माण करने का, चांदी निर्माण करने का तरीका बताया है, वही तरीका आज मैं आप लोगों को फिर से उजागर करके बता रहा हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि प्राचीन ज्ञान का यह धरोहर भारत भूमि से मिट ना पाए। तो देखिये, भगवान शंकर ने स्वर्ण तंत्र ग्रंथ में परशुराम को बता रहे हैं कि किस प्रकार से श्वेत गोखरू से चांदी बनाया जाता है। तो देखिए, भगवान यहाँ पे शंकर जी बोल रहे हैं कि अब मैं श्वेत गोखरू कल्प का वर्णन करता हूँ, जिसका ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य रसायन करता हो जाता है। हे पुत्र, वंग को संशोधन करके उसमें श्वेत गोखरू के रस को मिलाने के पश्चात धौकनी से फूकने पर वह वंग, मतलब जो रंगा होता है, वह रजत हो जाता है। आप समझ रहे हैं दोस्तों, वंग को संशोधन करके, मतलब जो रंगा होता है उसे संशोधन करना है। संशोधन करने के लिए आप जो है नागदमनी के रस के साथ में घुटाई कर सकते हैं, इससे संशोधन हो जाते हैं, ठीक है। या उसके ऊपर में नागदमनी का रस डाल करके अगर तपाया जाए तब भी संशोधन हो जाते हैं। तो श्वेत गोखरू के रस को किसमें मिलाना है आपको, रंगा में, और धुकनी से धुकना है, ठीक है। धुकनी में फूंक देना है, मतलब आग में से जलाना है। तो जो रंगा होता है वह रजत हो जाता है, चांदी हो जाता है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है। और मैं बात करूँ श्वेत गोखरू के, तो थोड़ा मिलना मुश्किल है, मिल जाए तो यह छोटा सा प्रयोग करके जरूर देखना, 100% लाभ मिलेंगे। इस उपाय से हो सकता है आपकी गरीबी दूर हो जाए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो छोटे से चैनल में वीडियो देख करके हमारे जो प्राचीन भारत भूमि के ज्ञान का धरोहर मिट रहे हैं, उसे दोस्तों आप फिर से उजागर करने में हमारी मदद कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी जनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।